हेलो सो टुडे वी टेक अप द फाइनल पोम इन योर कोर्स द मैन ही किल्ड बाय थॉमस हार्डी सो थॉमस हार्डी एक तरह से ही इज़ प्रॉबली लाइक यू नो द ओनली मॉडर्न राइटर इन योर कोर्स ही इज़ अ पोस्ट इंडस्ट्रियल राइटर व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था यूरोप और यू में फ्रॉम से रफली यू नो सेवनटीन टू द एटीन ये उसके बाद आए हैं दैट्स वाई पोस्ट इंडस्ट्रियल तो बेसिकली जो औद्योगिक क्रांति जिसे कहते हैं यू नो कि मेकनाइज फैक्ट्रीज हो गई यू नो पहले सब कुछ मसल मशी इंसान लोग करते थे मेकनाइज फैक्ट्रीज बनने लग गए नए नए केमिकल्स प्रोसेस हुए स्टीम पावर हाइडल पावर का इस्तेमाल हो रहा था और साथ ही अर्बनिज्म बढ़ते जा रहा था लोग गांव आँव छोड़ के पैसा छोड़ के शहर बनने लगे बिग सिटीज़ यू नो अक्रॉस द वर्ल्ड और इसी के साथ दीज आर सॉर्ट ऑफ द रूट्स फॉर लाइक यू नो ग्लोबल ट्रेड एंड बिजनेस जो कि कहीं ना कहीं इट ऑल गोज़ बैक टू दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच वाज सॉर्ट ऑफ लेड बाय द ब्रिटिश एम्पायर ऑब्वियसली क्योंकि आधे दुनिया से तो कमा रहे थे द ब्रिटिश लाइक यू नो द सन एवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर क्योंकि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरा एम्पायर फैला हुआ है सूरज कभी डूबना नहीं है ब्रिटिश राज में तो हर जगह से आप रिसोर्सेज ले रहे हैं कॉलोनी से ले रहे हैं इंडिया से इधर उधर जो भी है तो फिर ऑब्वियसली देन यू विल बी एबल टू कमांड सच अ ग्लोबल एम्पायर तो ये सब चल रहा था एंड थॉमस हार्डी टॉमस हार्डी इज़ अ पोस्ट इंडस्ट्रियल राइटर एटीन फोर्टी टू नाइनटीन ट्वेंटी एट तो इमीडिएटली जब आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एज जहाँ पे हम मानते हैं कि उसका ख़त्म हुआ एंड मॉडर्न एज बिगिन यू नो सो ही वॉज बॉर्न देन सो टॉमस हार्डी इज बेसिकली नोन एज अ नॉवलिस्ट इन फैक्ट यू नो इसके इनके कई नॉवल्स हैं फार फ्राम द मैडिंग क्राउड टेस्ट ऑफ दूबरवल्स जूट दबस्कर वेरी फेमस नॉवल्स तो प्राइमरली इन्हें एज अ नॉवलिस्ट जाना जाता है बट लाइक यू नो टूवर्ड्स दी एंड यू नो इनके नॉवल्स को काफ़ी इनकी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई क्योंकि ही वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो ही यूज टू प्रेजेंट वेरी डीपली ट्रैजिक वे ऑफ लाइफ कि जो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है पूरी एक तरह से यू नो जी लोगों के जीने सोचने का तरीके बदल रहे हैं वेज ऑफ लाइफ आर चेंजिंग एंड टॉमस हार्डली लाइक यू नो वज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट आई गेस उनके भी वही कंसर्नस थे कि हम अपने रूट से दूर कुछ और ही बन रहा है इंसान अपना नेचुरलनेस खो रहा है सब मशीनी हो रहा है जो कि अभी भी हमारे कंसर्नस हैं सो ही वॉज कंसर्नड अबाउट ऑल ऑफ दिस और वो अपने नावल्स में बहुत ही सैड तरीके से ये सब बताते थे कि बेसिकली इंसानियत शायद खत्म हो रही है इट्स ऑल ऑफ़ दैट यू नो सो दैट इज़ वाई हिज नावल्स वो वेरी क्रिटिसाइज खास करके इनको जो लेटर नावल्स थे एंड दैट्स वेन ही रिटर्न टू राइटिंग पोइट्री विच अपेंटली अपार्टली वॉज इज़ फर्स्ट इंटरेस्ट तो इनकी जो शॉर्ट पोएम्स है अराउंड ट्वेंटी सेंचुरी अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में इन्होंने लिखी एट द बिगिनिंग ऑफ द नाइनटीन और ज़्यादातर इनकी जो कविताएं होती वेरी प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड लोकल लैंडस्केप्स अलॉन्ग विद हिज थाट्स एंड इमोशंस ये जो प्रेजेंट कविता है ये 1902 में लिखी गई थी इन द कंटेक्सट ऑफ द बोर्ड वॉर ऑफ 1899 टू 1902 जो कि इसमें बिटवीन यू नो ब्रिटिश सेटलर्स इन साउथ अफ्रीका एंड डच सेटलर्स आपके बुक में ये है बट इसमें इतना क्लैरिटी नहीं है एंड सिंस आई एम नॉट अ हिस्ट्री टीचर आई विल नॉट गेट इन टू मच ऑफ दिस तो बेसिकली किस लिए ये वॉर लड़ा गया था क्योंकि साउथ अफ्रीका में वेरी दे हैड बिग डिपॉजिट्स लाइक यू नो बिग माइंस डायमंड एंड गोल्ड सोने और हीरे की कई खाने थी तो उसके कंट्रोल के लिए अलग अलग पार्टीज लड़ रही थी बोअर वॉर में वन ऑफ देम वाज द ब्रिटिश एम्पायर कोर्स तो इन दिस कंटेक्स बेसिकली यू नो हार्ड इज रेजिंग दीज क्वेश्चन अबाउट वॉर इन जनरल की खासकर ऐसे वॉर में जब पहले तो चलो डिफेंस के लिए लड़ रहे हैं आप अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं बट धीरे धीरे खासकर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन यू नो व्हाट आर द सोल्जर्स फाइटिंग फॉर जो ग्राउंड में जो सोल्जर है वो किस चीज़ के लिए लड़ रहा है इज जस्ट टू लाइक यू नो मेक वेल्थ फॉर अदर्स ऑल्सो जो भी यानी जो उसके देश के जो बड़े बड़े लीडर्स है बिजनेस मैन है द एलीट है उन्हीं को वॉर से फ़ायदा होता है सोल्जर क्या कर रहे हैं नो सो ही इज़ पोम तो इस कविता में टॉमस आर्डी बेसिकली ब्रिंग्स आउट द सेंसलेसनेस एंड इन सैनिटी ऑफ वॉर जो वॉर का पागलपन है कि इंडिविजुअल सोल्जर जो एक एक जो सैनिक है हु किल वन अनादर ऑन द बैटल फील्ड हैव नो एक्चुअल एनमिटी फॉर दोज हुए अटैक इन किल क्योंकि जो आमने सामने चाहे कोई भी जो दो सैनिक है एक किस तरफ़ का है एक किस तरफ का है उन दोनों के बीच में कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है जैसे कि हमारी किसी पड़ोसी से हो सकती है कि उसने क्या है मेरी गाय को डंडे से मार के लंगड़ा कर दिया या फिर वॉट एवर यू नो पर्सनल उसने मुझे नमस्ते नहीं बोला या फिर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बट जो दो सैनिक जो आमने सामने खड़े हैं उनके बीच में कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को मारने और अटैक करने पर आतुर हैं बिकॉज़ ऑफ वॉट दीज आइडियाज़ दैट वी हैव फेड सोशल स्ट्रक्चर्स की देश के लिए या फिर जो भी उसके लिए सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन ही रेजेज इफ़ दे हैपन टू मीट तो वही है ये बोल रहे हैं कि अगर नॉर्मल टाइम पे ये दो इंसान ऐसे जो दो सैनिक एक दूसरे को मारने को तैयार अगर वो किसी नॉर्मल टाइम में पीस टाइम में कहीं मिलते तो शायद वो आराम से बैठते गप्पे मारते एक दूसरे के साथ यू नो जनरली बात करते लेकिन वॉर जो है ऐसे सिंपल इंसान जो आपके और मेरे जैसे को भी एक अन किलिंग मशीन बना देता है you know.

और जिनके साथ उनका कोई पर्सनल फीलिंग ऑफ एनमिटी नहीं रहा फॉर इंस्टेंस येरो आप ये देखिए जैसे इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए एक ही देश से बने हैं एक ही संस्कृति है गोज़ बैक टू यू नो थाउजेंड ऑफ ईयर्स बट अब कट्टर दुश्मनी है अगेन थैंक्स टू द ब्रिटिश ऑफ कोर्स बट उस पर नहीं जाएंगे बट द पॉइंट इज यो जो पाकिस्तान का जो सोल्जर है जो सरहद पे और जो भारत का जो सोल्जर है वो दोनों <laughs> उनमें कोई आपसी दुश्मनी नहीं है बट इज जस्ट दिस आइडिया ऑफ कंट्री की हाँ भारत माता की जय या फिर पाकिस्तान जिंदाबाद जो उनको ऐसे एंड प्लस इट्स अ जॉब फॉर देम ऑब्वियसली इट्स करियर देश प्रेम वगैरह जो भी है ऑल दीज आइडियाज गो टुगेदर बट एज सच उन दोनों में कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है यू नो येट दे आर देयर दुश्मन है पाकिस्तान सोल्जर के लिए इंडिया वाला दुश्मन है इंडिया वाले के लिए पाकिस्तानी सोल्जर दुश्मन है और मारना है हालांकि हो सकता है उन सोल्जर्स के बीच में इनफैक्ट सिंस दे आर प्रॉबली बिलोंग टू द सेम क्लास एंड सेम लाइक यू नो सोशल कंटेक्ट बढ़ रहे तो हो सकता है दीज सोल्जर्स फ्राम पाकिस्तान एंड इंडिया हैव मोर इन कॉमन दैन वॉट द सोल्जर्स ऑफ इंडिया हैव इन कॉमन विद देयर सुपीरियर्स जो यानी जो एक्चुअल जो मंत्री लोग हैं जो हैं या फिर जो बड़े बड़े अफसर ब्यूरोक्रेट्स ये सब है जो वॉर के ऑर्डर देते हैं वो लोग बहुत अलग जीवन जी रहे हैं बढ़िया ये है, जो सोल्जर्स हैं दोनों तरफ वो एक ही क्लास से हैं शायद एक दूसरे से ज़्यादा दे हैव इन कॉमन तो वही बोल रहे कि अगर ऐसे ही पीस टाइम में मान लीजिए कोई पाकिस्तानी सोल्जर आता है कहीं दिल्ली में मिलता है किसी से या फिर इंडिया का सोल्जर कहीं कराची जाता है और कहीं मिलता है तो शायद वो आराम से बैठ के क्या है चाय पीते गप्पे मारते तो इसी टाइप की बात हो रही है और फिर वो कहते हैं इन दिस कमिंग अगेन रिटर्निंग टू द पोम दैट अदर सोल्जर टू हैड प्राउली ज्वाइन द आर्म ऑफ यूज कंट्री सिंपली बिकॉज ही वाज अनएम्प्लॉयड तो करियर की बात करें कि जैसे ये जो स्पीकर है इस कविता में वो कहते हैं कि हाँ ही वाज अनएम्प्लॉयड एक तो या वॉर का टाइम है नौकरी नहीं मिल रही गरीबी है तो इसलिए इन्होंने आर्मी ज्वाइन की तो ये कहते शायद जिस एनिमी को मैंने मारा यू you नो know, शायद वो भी ऐसे ही बेचारे के पास काम नहीं था तो उसने आर्मी जॉइन कर ली In, so in this poem, you know, the speaking soldier is actually conscious of the bond of their common humanity. So this common humanity, somewhere the speaker is very conscious of it. like in he somehow convinces himself that he was So he's going through all these thoughts and which Hardy, you know, captures very beautifully in like very simple words. Because it's simple kavita. and since now it's a modern poem, to modern English. Hai, you won't have thou, thee anymore, you know, all those things. दिट्स गेट डाउन टू द पोम और जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो यू कैन सी ये जो कोटेशन मार्क्स में है पूरी ये जो कविता सो दैट बेसिकली मीन्स लाइक अ स्ट यू नो दिस इज़ नॉट थॉमस हार्डी स्पीकिंग दिस इज़ अ स्पीकर एक सोल्जर इम काल्पनिक सोल्जर वो इमेजिन करते हो सकता है वो किसी सोल्जर से मिले जिन्होंने हार्डी को ये कहानी सुनाई लेकिन जब ये कविता के रूप में डाल रहे या फिर काल्पनिक हो डजेंट मैटर बट जो भी है इस कविता में एक किरदार है जिसके नज़रिए से जिसके जीब से आपको ये कहानी सुन रही है इसलिए इट्स इन कोटेशन मार्क्स एंड लाइक इवन वी टॉक बिफोर यू नो जो आई जो कविता का होता है डज इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि वो जो वास्तविक कवि है यू नो इट डजेंट हैव टू बी विलियम वर्ड्स वर्थ इट डजेंट सो Generally better to say the speaker instead of the poet. So the man he killed. In fact, you know जो title में ही आपको पता लगता है the man he killed. He कौन है जो सोल्जर यहाँ पे बात कर रहा है जिसके डायरेक्ट स्पीच आपको कोटेशंस में दी है क्योंकि इसने मारा है तो थॉमस हार्डी के अपनी बात नहीं है आई इज़ द ही जो टाइटल का द मैन ही किल्ड जो इंसान इसने स्पीकर ने मारा ठीक है सो the पोम वेरी सिंपल या Had he and I but met by some old ancient inn, we should have set us down to wet right many a nipperkin. But ranged as infantry and staring face to face, I shot at him as he at me, and killed him in his place. I shot him dead because, because he was my foe. Just so, my foe, of course he was. That's clear enough. Although, he thought he'd list perhaps offhand like, just as I was out of work, had sold his traps, no other reason why. Yes, quaint and curious war is you shoot a fellow down, you treat if met where any bar is or help to half a crown. So yeah, five stanzas, short poem, very simple rhyme scheme also A B A B type ka you know, just met wet in kin A B A B rhyme scheme. And so yeah, so how does it start? He immediately jumps into action. Had he and I but met by some old ancient inn, Agar Meh. और वो वो कौन है ही जिसे मारा गया है हेड ही एन आई बट मेट बाय ओल्ड एंशियंट इन हम शायद अगर हम दोनों किसी पुराने इन के पास मिलते हैं इन इन यानी बेसिकली जो एक सिंपल होटल मोटल टाइप का जो पुराने समय का और जिसमें एक बार भी होता है बिकॉज दैट इज़ लाइक अ वेरी जैसे इंग्लिश इंग्लैंड इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स पब कल्चर यू नो काम वाम के बाद रोज जैसे फैक्ट्री में लोग काम करते हैं या जो भी है उसके बाद लोग शाम को एक कॉमन बार में जाते हैं जहाँ पर सब दारू पीते हैं बातचीत करते हैं और फिर घर जाते हैं ना सो ऑल ऑफ द सो so, और यही कल इनफैक्ट लाइक यू नो क्या भरमौर में भी हर लाइक यू नो ऑल द टी शॉप्स आर लाइक बार्स है सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि काम के बाद लोग बैठते हैं दारू वारू पीते हैं और बातचीत करते हैं सो ही सेइंग कि ऐसा ही अगर हम कहीं किसी ऐसे एंशंट इन या पब में मिलते तो वी शुड हैव सेट्स डाउन टू वेट राइट मैन यर नेपर तो हम दोनों बैठते और कई नैपकिन गीले करते मतलब यानी बियर वियर पीते नैपकिन साफ़ वाफ करते गीले करते इट्स लाइक यू नो नॉर्मली बैठते बातचीत करते आनंद लेते बट रेंज एज इन्फेंट्री लेकिन रेंज एज इन्फेंट्री यानी अरेंज किए गए एक तरफ इनकी आर्मी है दूसरी तरफ दूसरी आर्मी और ये दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे को मारने के लिए इन्फेंट्री आर्मी जो लैंड आर्मी तो रेंज एज इन्फेंट्री स्टेयरिंग फेस टू फेस आई शॉट एट हिम एज ही एट मी एंड किल्ड हिम इन दिस प्लेस दोनों सामने हैं दोनों एक जैसे बिल्कुल ये नो बार बार ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं एक इधर खड़ा है बस एक उधर खड़ा है भाग्य की बात है यू नो सो so, दोनों खड़े हैं स्टेयरिंग फेस टू तो फेस इसने भी गोली मारी उसने भी गोली मारी लेकिन इसकी गोली लग गई भाग्य की बात है किस्मत की बात है और जो द मैन ही किल्ड जो दूसरा जो सोल्जर था किल्ड हिम इन दिस प्लेस उसी समय गिर कर मर गया अब फिर इन्होंने अब ये बेसिकली दो पैराग्राफ में कहानी का एक तरह से जो पूरी कहानी बता दी है एंड नाउ द स्पीकर इज गोइंग इन टू इज ओन था अब वो थोड़ा जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर शायद एक कहीं आवाज़ आ रही कि ये गलत है यानी कि मेरे जैसा ही एक इंसान था उसे मैंने मार दिया कहीं ना कहीं इंसानियत उनको बोल उनके अंदर यू नो चीख रही है रो रही है कि ये गलत है बट सो ही ट्राइंग टू जस्टिफाई यू नो आई शॉट हिम डेड बिकॉज मैंने उसे मारा क्यों की? क्यों बिकॉज ही वॉज माई फो क्योंकि वो मेरा दुश्मन था जस्ट सो माई फो ऑफकोर्स ही वॉज हाँ हाँ वो मेरा दुश्मन था दैट्स क्लियर इनफ वो तो क्लियर है तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप ये दो तीन बार जो बार बार रिपीटिशन हो रही है बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं वो मेरा दुश्मन था तो कहीं ना कहीं जो वो बात हो रही थी कि अंदर ही अंदर शायद उनकी जो इंसानियत है कंपैशन है वो बोल रही गलत है लेकिन ये जो दिमाग है शायद दिल बोल रहा है कि गलत किया है लेकिन जो दिमाग है वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि दिमाग हमेशा लॉजिक से सब कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश करता है सो ही सेंग यू नो नहीं नहीं वो मेरा दुश्मन था वो मेरा दुश्मन था वो दूसरे पार्टी से था मैं इंडिया का हूँ वो पाकिस्तान से था या फिर वो पाकिस्तानी है या फिर मैं क्या है मैं पाकिस्तानी वो इंडिया से था तो वो मेरा दुश्मन है सो दैट्स वॉट ही सेंग यू नो एंड दैट इज़ क्लियर इनफ तो किसी तरह वो अपने आप को मनाते हैं नहीं नहीं वो मेरा दुश्मन था मुझे मारना ज़रूरी था नहीं तो वो मुझे मार देता इ्सेट्रा इट्सेट्रा लेकिन फिर भी अगैन जो दिल वाली बात है जो अदर एस्पेक्ट इंसानियत वाली बात है वो फिर से जागती है ऑल दो ही थॉट ही अपना नाम भर्ती कराए पर उसने भी सोचा कि वो अपना नाम भर्ती कराए ऑफ हैंड लाइक जस्ट एज आई वॉज आउट ऑफ वर्क क्योंकि शायद वो भी मेरे तरह वॉज आउट ऑफ वर्क काम नहीं था उसको भी नहीं मिल रहा था had sold his स्ट्रैप्स और उसने अपने सारी जो पोजिशंस थी उसके पास अपनी जो वे सब कुछ जो उसके पास था बेचने लायक वो सब उसने बेच दिया है नो अदर रीजन वो शायद और कोई कारण नहीं था ऐसा नहीं था कि शायद वो बहुत बड़ा देशभक्त है अपने देश के लिए लड़ रहा है मेरे ही तरह शायद ही वॉज आउट ऑफ वर्क और उसके पास कुछ बचा नहीं था तो इसलिए मजबूरन वो आर्मी में आ गया एंड फिर देन ही फाइनली सेज यस क्वेंट एंड क्यूरियस वॉर इज़ हाँ एक वॉर ये जो है युद्ध है अजीब चीज़ है यू शूट अ फेलो डाउन यू ट्रीट इफ़ मेट वेयर एनी बार इज़ और हेल्प टू हाफ अ क्राउन कि जिस इंसान को आप अगर शायद नॉर्मली कहीं बार में मिलते शायद आप उसे ट्रीट करते एक बेर पिला देते बातचीत करते करते या फिर और हेल्प टू हाफ अ क्राउन या फिर अगर उसे कोई दिक्कत होती उसे कुछ पैसे दे देते क्राउन उस समय की करेंसी है इंग्लैंड की लेकिन क्योंकि आप युद्ध में मिले हो आप दोनों दुश्मन हो और तभी उस इंसान को आप क्या है यू विल शूट हिम डाउन सो दैट इज द पोम एंड प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन ऑल्सो जिस थ्री क्वेश्चन है रेफरेंस टू कंटेक्स एसेट्रा एसेट्रा और इसी के साथ क्या है um, आपका कोर्स खत्म हो गया है यू you नो know? <laughs> so, ये ब्लॉसमिंग माइंड बुक इज डन तो एक दो आपका थोड़ा ग्रामर टॉपिक्स बचे हैं वो मैं शेयर कर दूंगा बना देंगे उस पर भी एक वीडियो और फाइनली अभी बहुत टाइम है जो आप बार बार बोल रहे हैं यू नो कि क्वेश्चंस बताइए एग्ज़ाम के लिए अभी बहुत टाइम है शांति से रहिए

Uh, खासकर अब आप जो आपका सिस्टम है तीस फोर्टी आउट ऑफ हंड्रेड लाने हैं बस इंटरनल्स मिला के सो यूज़ दिस टू एक्चुअली यू नो तब तक आप भाषा पे प्रैक्टिस कीजिए यू नो लर्न ट्राई टू लर्न द लैंग्वेज रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग ये जो चार स्किल्स है इन पे काम कीजिए पेपर तो आप पास कर लेंगे शायद इस बार नहीं तो अगले बार पास कर लेंगे बट जो अगर आप इंग्लिश थोड़ी अच्छे से सीख लेते हैं इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग स्किल दैट विल हेल्प यू एंड अगेन ऐसा नहीं है कि पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इंग्लिश कुछ महान लैंग्वेज है हिंदी कम है या आपकी अपनी गद्दी भाषा कम है इट्स जस्ट दैट कि समय ऐसा है अगेन थैंक्स टू कोलोनियलिज्म कि इंग्लिश सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है चाहे हम कहीं पर भी जाएँ सो प्लीज़ ट्राई टू पिकअप दिस स्किल दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट लाइफ एग्जाम वेग्जाम की इतनी टेंशन मत लीजिए पास हो जाएंगे आप ठीक है सो वील डू दोज एग्जाम वीडियोज वेन द टाइम कम्स एंड नल्टिल दिल या Have fun and thank you.